हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम दो नंबर्स का जब चाहे तब, जैसे हम अपने हिसाब से एंटर करवाएंगे, साइन एंटर करेंगे, जैसे प्लस दबाएंगे तो एडिशन करेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देंगे तो वो जो है मल्टीप्लाई करेगा, माइनस करेंगे तो माइनस करेगा। तो ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करे, हम सिर्फ एक सिंगल की प्रेस करें और वो जो चाहे वो करके हमें दे दे जो हमने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले नम1 नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर इंटीजर टाइप का हम डेटा स्टोर कराएंगे और यहाँ इनपुट फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर वो एंटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे नम2 लिखेंगे और इज इक्वल टू इंट इनपुट करेंगे और यहाँ पर होगा दूसरा नंबर एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, ये हो गया। और एंटर करके नीचे आएंगे और जैसे ही नीचे आते हैं तो क्या करना है, अब यहां पर हमें लिखना है प्रिंट, प्रिंट लिखना है। क्यों प्रिंट लिख रहा हूं, क्योंकि स्क्रीन पे यही हमें दिखेगा। तो यहां पे दे देता हूं एंटर एस द ऑपरेशन वुड यू लाइक टू परफॉर्म, वुड यू लाइक टू परफॉर्म कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब वो चॉइस क्या है उसको देख लिया जाए, तो इसीलिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे एंटर करके नीचे आएंगे तो यहां पर एक सीएच नाम से कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पे क्या करूंगा, सीधा सीधा लिखूंगा इनपुट, नो नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स, वी हैव टू राइट ओनली इनपुट। क्यों इनपुट लिख रहा हूं, क्योंकि सीधा सीधा यहां पर हमें ये दिखना चाहिए, एंटर क्या दिखना चाहिए, यहां पे देखिए एंटर एनी ऑफ दीज, इस तरीके से लिख दीजिएगा कैरेक्टर सी एच ए आर कैर फॉर फॉलोइंग ऑपरेशंस, फॉलोइंग परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म, यहां लिख देंगे परफॉर्म ई आर एफ ओ आर एम। अब कौन कौन से वो ऑपरेशन है उनको देखना पड़ेगा, तो पहला ऑपरेशन है प्लस, दूसरा ऑप्शन है माइनस, तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लाई, चौथा ऑप्शन है डिवाइड। तो बस यही तो देना था, तो ये हमने दे ही दिया है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा RESULT, रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें जीरो स्टोर करा लिया। चलिए जीरो स्टोर करा दिया है, आप देख सकते हैं यहां पे इफ लगाएंगे और यहां पे CH इज इक्वल टू दो टाइम, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, प्लस का निशान दे देंगे, सिंगल एटेड कॉमा में, क्योंकि प्लस करवाना है, एडिशन करवाना है, तो यहां पे ये दे दिया। और फिर क्या करना है, फिर चूंकि हमको इसके अंदर और भी चीजें देनी है तो यहां पे कॉलन लगा करके नीचे आ जाइएगा, ठीक है। जैसे ही नीचे आएंगे तो अगर प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए, तो हमने रिजल्ट नाम से बनाया है जिसमें पहले जीरो स्टोर कराया है, तो यहां पे नम1 प्लस नम2 का रिजल्ट, नम1 प्लस नम2 का रिजल्ट जो है इस जीरो के अंदर आ जाना चाहिए, आ गया, आ गया है। चलिए एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद अब क्या करना है, अब यहां पे एलिफ लगाना है, तो यहां पे लगा लेते हैं एलिफ, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस होने वाली है इसीलिए हम लगाएंगे एलिफ, ठीक है। तो एलिफ में फिर लिखेंगे CH इज इक्वल टू, अरे प्लस कर दिया तो ठीक है, अब अगर मान लीजिए माइनस कर दिया तब क्या परफॉर्म होगा, उसका भी तो देना होगा। तो यहां पर आएंगे नीचे, ठीक है, नीचे आ गए, नीचे आने के बाद यहां पर रिजल्ट, रिजल्ट में जाके वैल्यू स्टोर होगी जो आएगा, ठीक है। तो नम1 माइनस नम2 कर देते हैं, नम1 माइनस नम2 इस तरीके से कर देना है आपको, ठीक है। फिर एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद क्या करना है, फिर एलिफ लगाना है, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और भी चीजें करनी बाकी हैं। तो यहां पे CH इज इक्वल टू इस बार क्या करते हैं, इस बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे कॉलन लगा करके नीचे आ जाइएगा, जैसे ही नीचे आएंगे तो अब फिर क्या करना है, हमें यहां पर रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो यहां पे लिखेंगे RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट में प्रिंट करवाएंगे, तो नम1 इंटू नम2 इस बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, एंटर करेंगे, फिर यहां पे एलिफ लगाएंगे, तो ये एलिफ लगा दिया, ठीक है। तो एलिफ लगाने के बाद क्या करना है, जैसे ही एलिफ लगाएंगे तो अब इसमें अगली कंडीशन आएगी, तो CH इज इक्वल टू यहां पे क्या करेंगे, इस बार हम दे देते हैं ये डिवीजन, डिवीजन दे दिया, तो सब तो हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, तो यहां पे प्रिंट करवाने के लिए RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू नम1 अपॉन
नम टू कर देंगे, नम वन अपॉन नम टू, ठीक है। नम वन अपॉन नम टू करने के बाद अब लास्ट में एल्स की कंडीशन आएगी, एल्स लास्ट में आपको क्या देना, एल्स देना है, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट कंडीशन एल्स ही बची हुई है, दूसरा कोई कंडीशन हमें देना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में यहां पे प्रिंट करवा देंगे क्या, इनपुट द डाटा इज नॉट वैलिड, ये लिख दिया हमने, इनपुट डाटा इज नॉट वैलिड ये लिख दिया। और फिर यहां पर अब क्या करेंगे, लास्ट में अब प्रिंट करवाएंगे, तो यहां पे आगे प्रिंट, ठीक है, जब वैलिड नहीं है तो ठीक है। और यहां पे प्रिंट क्या करवाएंगे, तो यहां सबसे पहले नम वन का रिजल्ट प्रिंट होगा, फिर यहां पे सी एच को प्रिंट करवा लेते हैं, फिर यहां पर नम टू को प्रिंट करवा लेते हैं, तो ये नम टू प्रिंट करवा लिया। और नम टू में क्या करेंगे, यहां पे नम टू तो प्रिंट करवाएंगे ही, साथ ही हमें कॉलन भी प्रिंट करवाना है, तो आप कॉलन भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और यहां पे लास्ट इस प्रोग्राम को आपने दोबारा चलाया, ठीक है, तो फिर ये आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, इस बार ऐड करना है, तो 77 यहां पे लिखा, दूसरा नंबर 88 लिखा, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन, तो यहां पे प्लस कर दिया हमने और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहां पे देखिए दोनों का एडिशन होकर आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और ये प्रोग्राम जरूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।